हेलो एवरीवन, जो हमारा पिछला वीडियो था उसका कुछ पार्ट बच गया और उसमें ये जो सेंटेंस था ये नहीं आ पाया, तो इसीलिए इस फैलेसी को, कौन सी, द फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, इसको इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट कर रहा हूं कि किस तरह से ये होती है, और दो फैलेसीज और बची हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर कर लेंगे लगे हाथ। तो क्या है कि फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी में क्या करते हैं, हम सेंटेंस कर रहे थे इट इज नो यूज ट्राइंग टू रिफॉर्म द क्रिमिनल्स, कि क्रिमिनल्स को रिफॉर्म करने का कोई फायदा नहीं है। द लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स, तेंदुआ अपने स्पॉट्स को चेंज नहीं कर सकता। अब देखिए, हमने कहा था, हम ये मान के चलते हैं कि ए किसके जैसा है, बी के जैसा है, यानी राम श्याम जैसा है, ठीक है। श्याम जो है वो ऑनेस्ट है तो राम भी ऑनेस्ट होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब देख के चलते हैं कि किस तरह से इसमें फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी है। फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी किस तरह से है कि क्रिमिनल जो है वो तेंदुए जैसा है, जानवर जैसा है, क्रिमिनल को जानवर जैसा बता दिया, ठीक है। मान लेते हैं भाई जो अपराध करता है वो जानवर ही होता है, इंसान तो सोच के काम करेगा, तो ये बात हमने मान ली। अब इनको, क्रिमिनल्स को सुधारने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये सुधर नहीं सकते। कैसे नहीं सुधर सकते, जैसे एक तेंदुआ अपने धब्बों को मिटा नहीं सकता। अब देखिए यहां पर एक बात तो सही है, इसके जैसा तो है, लेकिन ये जो है तेंदुआ ये दाग धब्बों के साथ ही पैदा हुआ है, प्रकृति ने ही उसे ऐसा बनाया है, जबकि क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनल पैदा नहीं हुआ था, वो पैदा हुआ था इंसान। तो वो क्या कर सकता है, वो अपने आप को बदल सकता है, यानी वो दोबारा से इंसान बन सकता है, जबकि तेंदुआ अपने धब्बों को नहीं मिटा सकता, क्रिमिनल जो है वो इंसान बन सकता है। तो इनकी जो तुलना की है, जो समानता इनमें दिखाई है, समानता एनालॉजी होती है समानता, तो जो समानता इनके अंदर दिखाई वो कैसी समानता है, वो झूठी समानता है, उस समानता में कोई सच्चाई नहीं है। तो इसका जो है ध्यान रखें, जो हमारी फिफ्थ फैलेसी थी उसका नाम था फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। अब बात करते हैं सिक्स्थ फैलेसी की, कि सिक्स्थ जो हमारी फैलेसी होती है वो कौन सी होती है। सिक्स्थ जो फैलेसी है वो है इक्विवोकेशन, 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 फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। अब ये फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन क्या होता है कि इस फैलेसी में कोई भी एक टर्म ले लेते हैं, कोई एक टर्म ले लिया, कोई एक वर्ड ले लिया, ठीक है, कोई एक वर्ड हो गया या कोई एक टर्म हो गया, सेंटेंस के अंदर एक जगह तो उसका एक मीनिंग है और दूसरी जगह उसका जो है दूसरा मीनिंग निकल जाता है, तो वहां पर क्या आ जाती है, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन आ जाता है, ठीक है, यानी उसका वही मीनिंग नहीं रहता। और जो कंक्लूजन हम निकालते हैं, देखिए फैलेसी कैसे बनती है, ये इक्विवोकेशन वाली, यहां एक वर्ड है इसका मीनिंग नंबर वन आया है, यहां वर्ड का मीनिंग नंबर दो आ गया, और हम मान के चलते हैं कि यही मीनिंग यहां भी है, और उस आधार पर हम कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं, या हम इस मीनिंग को यहां मान लेते हैं, यानी मीनिंग होते हैं अलग अलग, जबकि हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं एक ही मीनिंग को मानते हुए। तो वो देखिए किस तरह से, जैसे
भाई हम मानते हैं कि एलिफेंट जो है वो एक जानवर है. एन एलिफेंट इज एन एनिमल. ओके, सबको पता है. तो जो है व्हाइट एलिफेंट कैसा जानवर होगा? ए व्हाइट एलिफेंट इज ए व्हाइट एनिमल. ये तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन ए स्मॉल एलिफेंट, सॉरी ई छोटी आएगी, ELEPHANT इज ए स्मॉल एनिमल. क्या ये हो सकता है? एक स्मॉल एलिफेंट वो एक स्मॉल एनिमल है? नहीं, ये नहीं हो सकता. यानी यहां जो स्मॉल का मीनिंग है, स्मॉल एलिफेंट जो हाथी है, जो छोटा हाथी है, बच्चा है जैसे, वो एक छोटा जानवर है? नहीं, छोटा जानवर नहीं है, वो बड़ा जानवर है. छोटे जानवर क्या हैं? जैसे आंट हो गया, या आपका फ्लाई हो गया, या आपका और भी बहुत से छोटे छोटे जानवर हैं, रैबिट हो गया. उनके मुकाबले क्या ये जो स्मॉल एलिफेंट है, क्या वो उनके मुकाबले स्मॉल है? नहीं. तो ये जो है कैसी फैलसी हो गई हमारी? ये फैलसी हो गई इक्विवोकेशन की. यानी स्मॉल वर्ड का यहां मीनिंग कुछ और है और यहां मीनिंग कुछ और है. ठीक है, तो इस तरह करके जो है दोनों के अलग अलग मीनिंग आ गए. इसका एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं कि किस तरह से ये होता है. जैसे देखिए, जो थेइस्ट होता है, थेइस्ट, थेइस्ट कौन होता है? जो भगवान को मानता है, THEIST. और एथीस्ट होता है जो भगवान को नहीं मानता, यानी नास्तिक. ठीक है, नास्तिक. अब देखिए, नास्तिक कौन होता है? हु डजंट हैव बिलीफ्स. हु डजंट हैव बिलीफ्स. बिलीफ्स यानी मान्यताएं नहीं है. मान्यताएं कौन सी मान्यताएं? भगवान को मानने वाली मान्यताएं उसमें नहीं है. अब देखिए कैसे सेंटेंस को बनाते हैं हम. एनीवन हु लैक्स बिलीफ्स, एनीवन हु लैक्स बिलीफ्स, BELIEFS, बिलीफ्स कौन हो गया? एनीवन हु लैक्स बिलीफ्स, एथेइस्ट, जो जिसमें बिलीफ्स नहीं है, जो नहीं मानता किसको? भगवान को, वो एथेइस्ट. एनीवन हु लैक्स बिलीफ्स कैन नॉट बी परसिक्यूटेड, कैन नॉट बी परसिक्यूटेड फॉर हिज बिलीफ्स. उसे उसके बिलीफ्स के लिए, उसे उसकी मान्यताओं के लिए, मान्यता कौन सी? के भगवान नहीं है, तो इस मान्यता के लिए उसे तंग नहीं किया जा सकता, उसको परेशान नहीं किया जा सकता, उसे सजा नहीं दी जा सकती. इसके लिए, उन बिलीफ्स के लिए, उन मान्यताओं के लिए कि भगवान नहीं है, लैक्स बिलीफ्स. अरे जो बिलीफ्स है ही नहीं, यहां मीनिंग कुछ और है बिलीफ का और यहां मीनिंग कुछ और है. ठीक है, तो हु लैक्स बिलीफ्स नहीं, हु डजंट बिलीव इन गॉड. ठीक है, तब जाके ये फैलेसी जो है सुधरेगी. एनीवन हु डजंट बिलीव इन गॉड कैन नॉट बी परसिक्यूटेड फॉर हिज
beliefs. You cannot be persecuted for this. Okay? तो beliefs तो अगर हैं तो फिर वो theist कैसे हो गया? अगर beliefs हैं तो atheist कैसे हो गया? और अगर नहीं है तो lacks कैसे कर रहा है? वो lack कैसे कर रहा है? पीछे कैसे रह रहा है beliefs में? तो इस तरह के sentences में जो है वो equivocation की जो है fallacy होती है. Equivocation यानी एक word जो है दो तरह से use होगा. जैसे हमने क्या कहा, ए स्मॉल एलिफेंट इज ए स्मॉल एनिमल, जबकि वहां स्मॉल एलिफेंट अलग चीज है, वहां स्मॉल अलग चीज है हाथी, जो कि छोटा हाथी, हाथी साइज में छोटा, और स्मॉल एनिमल छोटे छोटे जानवर, वहां स्मॉल बहुत ही छोटा मीनिंग दे रहा है, इतने इतने से या इतने से, और स्मॉल एलिफेंट में कम से कम इतना तो हाथी का बच्चा जो है वो होता ही होगा, इतना सा कम से कम होता ही होगा, तो वो स्मॉल नहीं है. रैबिट के मुकाबले तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन बड़े हाथी को देखते हुए वो स्मॉल है. तो वो जो स्मॉल वर्ड है स्मॉल, वहां दोनों जगह उसने अलग अलग क्वांटिटी जो है वो साइज की दिखा दी. तो ये फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन हो गया. अब जो सेवंथ हमारी फैलेसी है, फैलेसी ऑफ एब्यूसिव आर्ग्यूमेंट, फैलेसी ऑफ एब्यूसिव आर्ग्यूमेंट. अब देखिए एब्यूसिव, ए बी यू एस आई वी ई, आर्ग्यूमेंट, ए आर जी यू एम ई एन टी, एब्यूसिव आर्ग्यूमेंट, गलत आर्ग्यूमेंट, एब्यूसिव बहुत ही भद्दा गलत. अब ये गलत आर्ग्यूमेंट किस तरह से, जैसे मान लो सिचुएशन मान के चलते हैं कि कोई लड़का है वो अपने मां बाप के खिलाफ बोल रहा है, उनके सामने बोल रहा है, उनको मतलब एक तरह से परेशान कर रहा है. ठीक है, ये ए है, मिस्टर ए, ये अपने पेरेंट्स को कर रहा है परेशान. यहां आया मिस्टर बी, उसने क्या कहा इसको, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कि आपको अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. अब देखिए इसकी ये बात तो गलत नहीं है, ये बात तो गलत नहीं है. तो इस बात को गलत ठहराने के लिए कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो गलत है, उसको गलत ठहराने के लिए मिस्टर ए क्या कर रहा है, इस बात को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये बात तो सही है, इसे तो क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता. तो उसने क्या किया, उसने मिस्टर बी को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. तो ये क्या होगी, फैलेसी ऑफ एब्यूसिव आर्ग्यूमेंट. कैसा आर्ग्यूमेंट किया, बहुत ही भद्दी प्रकार का आर्ग्यूमेंट किया उसने, क्योंकि जो बात कही वो दमदार थी मिस्टर बी की, तो इस बात के लिए तो आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाया. ठीक है, तो क्या करना शुरू कर दिया, मिस्टर बी को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया. कैसे, क्या कहा, अब मिस्टर ए क्या कहता है दोबारा से, यू कांट से दिस, यू कांट से दिस बिकॉज यू लिव अलोन, यू लिव अलोन अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स. ठीक है, कि तुम ये बात नहीं कह सकते कि तुम्हें अपने मां बाप की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम ये बात नहीं कह सकते, तुम भी ये बात कहने के लायक हो. क्यों, क्योंकि तुम तो खुद अपने मां बाप से दूर अकेले रहते हो, तुम खुद अपने मां बाप से दूर अकेले रहते हो. किसको क्रिटिसाइज किया, मिस्टर बी को, ना कि इस स्टेटमेंट को. ठीक है, तो यहां ये इस सेंटेंस के अंदर कौन सी फैलेसी हुई,
फैलसी ऑफ एब्यूसिव आर्ग्यूमेंट, फैलसी ऑफ एब्यूसिव आर्ग्यूमेंट। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट्स डालिए, कमेंट्स में बताइए आपको कौन सी फैलसी अब तक समझ में नहीं आई है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सारी की सारी फैलसीज मैं क्लियर करवा दूं। उसके लिए फिर चाहे मुझे एक वीडियो बनाना पड़े, दो, दस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको फैलसीज क्लियर हैं तो आप वो भी कमेंट में डाल सकते हैं कि सर हमें क्लियर हो गई हैं, आगे इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।